हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल डिश के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम कॉन्टिनेंटल डिश के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो बात होती है वो है रू। तो आज हम रू के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रू रू होती क्या है? और ये हमारी रू है, ये हमारे जो बेचेमल थे जो फ्रेंच के थे उन्होंने जो है एक रू बनाई थी, तो इसका नाम जो है रू दे दिया गया है। रू मीन्स जैसे उन्होंने इक्वल क्वांटिटी में बटर लिया, इक्वल क्वांटिटी में उन्होंने मैदा लिया। मीन्स कोई सा भी फ्लावर आप ले सकते हो, चाहे रिफाइंड फ्लावर या ऑल पर्पज फ्लावर आप ले सकते हो। उन्होंने एक जो है सॉस बनाई, उन्होंने व्हाइट मिल्क डाला, फिर उसके अंदर हर्ब्स डाले, उनमें अनियन डाला और अपने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले, तो उसको एक नेम दे दिया गया रू। जब से इनका नेम पड़ गया रू, और बेचेमल सॉस का भी नेम जो हमारे जो बेचेमल जो थे फ्रेंच के, उन्होंने जब ये रू बनाई थी तो उन्हीं के नेम से एक रू बन गई है और उन्हीं के नेम से बेचेमल सॉस भी बन गई है कि बेचेमल सॉस होती कौन सी है। तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि रू होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो ये रू है ये कहाँ कहाँ बनती है। आप सोचते हैं कि ये फ्रेंच में ही हमेशा बनती है रू, तो ये फ्रेंच के अलावा हमारे इंडियन किचन में भी रू बनती है, बट कोई जल्दी से जानता नहीं है कि ये हमारे इंडियन किचन में भी रू होती। काफी कम लोग हैं जो जानते हैं। और जो हम इंडियन में मिलाते हैं, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, वो भी तो एक तरह की रू है, बेसन, और हम उसके अंदर कर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये सब हमारी एक अच्छी सी कढ़ी बन के रेडी होती है, तो वो भी एक तरह की रू है। या फिर हम जैसे हलवा बनाते हैं, अपना सूजी का हलवा बनाते हैं, तो उसको भी तो हमने सूजी के अंदर अपना ऑयल भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, उसको कुक भी करते हैं। और जैसे वाइट सूजी, वाइट हलवा चाहिए तो वाइट करते हैं, ब्राउन चाहिए तो ब्राउन, एंड ब्लेंड चाहिए तो हम ब्लेंड कलर भी करते हैं। जैसे हम रू बनाते हैं, वाइट, ब्लेंड एंड ब्राउन। जैसे हम अपनी फ्रेंच में रू बनाते हैं, ऐसे हम अपने इंडियन में भी तो एक हलवा बनाते हैं, तो बट हम उसको अलग नेम दे दिया जा। और जो ये रू है ये बटर में ही क्यों बनती है, क्योंकि फ्रेंच में ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो बटर का किया जाता है। जब भी आप किसी फ्रेंच के शेफ से मिलोगे और आप फ्रेंच के शेफ से बोलोगे कि शेफ कि फ्रेंच के बारे में बताइए, तो वो बोलेंगे बी बी एंड बी, मीन्स बटर बटर एंड बटर, क्योंकि बटर से ही उनका जो रेसिपी है वो बनती है और वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल है बटर से करते हैं। इसलिए हमारे जो रू बेचेमल थे उन्होंने जो बनाई है हमारी ये रू, RoUX रू बोलते हैं हम इसको, तो उन्होंने जो बनाई है बटर और मैदा इक्वल क्वांटिटी में लेके, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया है रू। और ऐसी हमारे इंडियन में होती है, बट हम इंडियन में जो है रू नहीं बोलते, बैटर बोलते हैं, हलवा बोलते हैं, बट वो होती भी है रूई, एक तरह की होती है। अब हम बात करते हैं ये रू जो है कितने टाइप्स की होती है। रू हमारी 3 टाइप्स की होती है। 1 वाइट रू, जो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है, और सेकंड स्टेज में हमारी ब्लेंड रू, और थर्ड स्टेज में हमारी ब्राउन रू। इन रू से हमारी जो है सूप बनते हैं, सॉस बनते हैं, और हमारी जैसे मदर सॉसेज है, तो ये एक नेम दे दिया गया फ्रेंच का, मदर सॉसेज, मीन्स जैसे रू है माँ से जन्म होने वाले बच्चे, तो उसको एक नाम दे दिया गया है रू। तो हमारी जो मदर सॉसेज है ये 6 है, तो मदर जो रू से ही जो हमारी सॉस बनती है उसको हम कहते हैं मदर सॉस। तो जो हमारी वाइट सॉस है, जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं, हमने वाइट रू ली और उसमें मिल्क डाला, या फिर हम चिकन का भी हम जो है जैसे चिकन स्टॉक डाल के हम जो है सॉस बनाते हैं अपनी, जैसे हमारी बेचेमल सॉस हो गई, हमारी वलूते सॉस हो गई, जो वलूते सॉस है वो हमारी वाइट रू से ही बनती है। तो ये सारी हमारी जो सॉस है, और जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं, हमारी पास्ता में ज़्यादा इस्तेमाल होता है वाइट सॉस और रेड सॉस का, तो जो वाइट सॉस है वो वही है जो हमारी रू होती है। रू के बाद हम उसको जो मिल्क के अंदर बनाते हैं वाइट सॉस, जिसको बेचेमल सॉस कहते हैं। तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि रू कैसे आई है और किसने इसको बनाया और क्यों इसका नेम दे दिया गया। ऐसी हमारे जो चाइनीस है, चाइनीस में भी जैसे हमारा सूप बनाते हैं, तो सूप में जो बाइंडिंग करने के लिए हम उसके अंदर अरारोट डालते हैं, कॉर्नफ्लावर डालते हैं, और उसके अंदर हम जो है मिल्क डालते हैं, क्रीम डालते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप
रू का इस्तेमाल करते हैं किसी सूप में या सॉस में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रू जो है हमारी अगर गर्म है तो आपका स्टॉक जो किसी भी चीज़ का स्टॉक है, चाहे चिकन स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक, किसी भी चीज़ का स्टॉक है, तो या फिर आप मिल्क में बना रहे हो व्हाइट सॉस, तो जो अगर रू हमारी गर्म है तो जो स्टॉक आपका ठंडा होना चाहिए, स्टॉक हमारा गर्म है तो रू आपकी ठंडी होनी चाहिए, तो जब भी उसका अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो अगर दोनों चीज़ गर्म होएगी तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और वो खराब हो जाएगी, फट जाएगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा रू क्या होती है और रू को कैसे बनाना चाहिए और इसका नेम कैसे पड़ा। और हमारे इंडियन में भी रू बनाई जाती है बट हम उसको रू नहीं कहते, और चाइनीज में भी, और ये हर जगह इस्तेमाल होता है बट अलग अलग नेम दे दिया गया, क्योंकि सबसे पहले नेम जो पड़ गया था वो फ्रेंच में पड़ गया था रू। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अब इस वाली वीडियो को आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और आपको जो भी मैं आपको वीडियो बना के थ्रू आपको समझाती हूँ, मेरी सिंपल में होती है, सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।